कही हो और वजन कम हो गया हो, बहुत कम हो गया हो, तो आप बहुत बड़ी योजना और बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल सकते, लचतक दौड़ भी नहीं सकते। प्रियंका गांधी को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि जो काम उनके भाई और माँ नहीं कर पाए, वो जागृत उन्होंने विद इन पार्टी पैदा की, जो भी उनकी स्कीम्स रही। और चूंकि अखिलेश यादव बड़ी पार्टी है, इसलिए अखिलेश यादव को एक नेचुरल बेनिफिट मिल रहा है, जो सरकार से नाराजगी लोगों की है। वो कायदे का काम तो 5 साल तो प्रियंका गांधी ने किया। ये प्रियंका गांधी थी जो उंभा से लेकर के लखीमपुर खीरी और हाथरस से लेकर के प्रवासी मजदूरों के पलायन का जब विषय आया तो वही खड़ी हुई ना। बिल्कुल। अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी कहाँ थे? ये नमूदार नहीं हुआ ऐसे मौकों पर। तो अपोजिशन का रोल उन्होंने प्ले किया, लेकिन बहुत कमजोर है, इसलिए सपोर्ट अभी नहीं मिलेगा। सीटें भी उनके लिए दुखद खबर भी रायबरेली और अमेठी से आ रही है, इस बात के संकेत हैं। लेकिन मत प्रतिशत बढ़ेगा, और जिस अभ्यास पे चल रही हैं, जिस कवायद पे चल रही हैं, ये 2024 के लिए उनको मजबूती देता है। मतलब ये लेकिन मान इनके ले ध्यान हेमंत सर, मतलब ये मान जी ले कि 22 की लड़ाई केवल संगठन को मजबूत करने की थी और एक पिच तैयार करने की थी, लड़ाई तो असली हम 24 में देखेंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश में 3 दशक से टूट चुकी है, सत्ता बहुत दूर है, कार्यकर्ता उखड़ चुके हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को एकजुट करना ही अपने आप में कामयाबी है। दूसरी बात आप देखिए कि प्रियंका के एजेंडे ने भारतीय जनता पार्टी जैसे सियासत के सूमो पहलवान को भी उनके अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने स्कूटी की बात की तो भारतीय जनता पार्टी की स्कूटी का कमिट करना पड़ा अपने संकल्प पत्र में। कई और पार्टियां उनके एजेंडे पे आई, तो एक सकारात्मक और एक अच्छी पार्टी को संगठित करने की दृष्टि से बेहतर पॉलिटिक्स उन्होंने खेला है। लेकिन सृष्टि ये जान लीजिए कि यह चरण जो है, जहां अब मुकाबला है, यहां कांग्रेस को पाने के लिए कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता, अगर 2 जिले छोड़ दें, आजमगढ़ गाजीपुर, मात्र 2 जिले छोड़ दें, तो ज्यादातर जिलों में भारतीय जनता पार्टी की गेन करने वाला एरिया है। और जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता से विद्वान व्यक्ति लोग कह रहे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा कि लक्षण है कामयाब होती इस चुनाव में, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो लगातार अपने 72 हिंदू एकता के एजेंडे पर 50 साल से, बल्कि 70 साल से काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश उसको एक बड़ी मजबूत जमीन देगा, और आगे आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स में बहुत सी नई चीजें देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत आरोप प्रत्यारोप और इल्जाम और एनालिसिस के बावजूद बता रहा हूं, अपर कास्ट इंटैक्ट है, और जो गैर यादव ओबीसी है उसमें बहुत कम डेंट है। डेंट है तो थोड़े पॉकेट्स में है, कंस्टिट्यूएंसीज में है, अगर आप समग्र दृष्टि देखें तो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अन्ना जानवर आवारा जानवर वगैरह ऐसी छोड़ दीजिए, जिसको जिसको फिर वही मुफ्त राशन संतुलित कर रहा है, आवारा जानवरों से नुकसान हुआ वोट भारतीय जनता पार्टी, ये जो मुफ्त राशन बंट रहा है जो गरीबों को, उससे संतुलित कर रही है, तो बहुत बड़ा नुकसान उसका नहीं दिख रहा है। और अखिलेश यादव का गेन बहुत स्पष्ट है कि बड़ा गेन उसका वही है जो सरकार से नाराजगी है पब्लिक की। बाकी जो उन्होंने जोड़े हैं, मुझे लगता है गैर यादव ओबीसी में उससे कम भारतीय जनता पार्टी जी का प्रभाव क्षेत्र नहीं है, निषाद पार्टी और अपना हाँ दल सोने लाल के जरिए। जी। अब क्योंकि केपी मल्ली साहब, मैं आपके पास आती हूँ। जातीय जनगणना की हम लोग बात करते हैं, मतलब विपक्ष बात कर रहा है, और हम जातीय समीकरण की बात करते हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति को टटोलना है तो आपको जातीय समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। लेकिन ये जो फैक्टर है, ये 2022 में भी आप देख रहे हैं। देखिए, लोक लुभावने वादे भी हैं, 20 लाख 22 लाख रोजगार देने की भी बात है। अन्ना पशुओं के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नाव में जाके बोल दिया कि भाई अब हम, क्योंकि हमने जिस तरह से बनारस में काम किया है, अब हम उत्तर प्रदेश के और जिलों में भी करेंगे, ताकि अन्ना पशु बाहर भी ना जाए। हर घर को रोजगार देने की भी बात कही है, फ्री राशन ऑलरेडी वो दे रहे हैं। राष्ट्रवाद